मुंबई में चल रही माफिया दिल्ली पहुंच गई है। हम खून और पसीना एक करके धंधे में पैसे कमा रहे हैं और वो लोग वही पैसा खून बहाकर कमाना चाहते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल गौड़ा गारमेंट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पटौदी को और उसकी पत्नी को उनके बच्चों के सामने ही मार डाला। ये सब हमें डराने के लिए है, कब तक ऐसे डरते रहेंगे? डरना होगा, उन्होंने जो 100 करोड़ मांगे थे वो उसने अगर दे दिए होते तो आज हमें ये मीटिंग रखने की जरूरत नहीं होती। मतलब उनका हमें धमकाना ठीक है क्या? आप चेयरमैन होकर ऐसी बात कर रहे हैं? चेयरमैन हूँ इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ। जिंदगी से हाथ धोने से अच्छा है कि थोड़े पैसे दे दिए जाए। उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट हम में से कोई भी हो सकता है। No, I don't encourage this. How long will this be continued? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। अगर वो हमें मौत का डर दिखा के डरा सकते हैं तो उन्हें भी कोई मौत का डर दिखा के डरा सकता है। माफिया का सामना करने की इतनी हिम्मत किस में होगी? मेरा छोटा भाई चंद्रशेखर धर्म। वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर धर्मा, वेलकम। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी सिंसेरिटी, दोनों कमाल। अरे तुम पैसे भिजवा भी सकते थे, खुद क्यों चले आए? ये बताओ मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम इनकम टैक्स वाले हो, सेल्स टैक्स वाले हो या सर्विस टैक्स वाले? लाइफ टैक्स। तुम जिंदा रहो इसलिए और तुम्हें मैं जिंदा रख सकूं इसलिए टैक्स। गलत। ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी, जिंदगी गुजारने के लिए अकल दी है। मुझ जैसा अकलमंद मेहनत से कमा कर जीता है, तुम जैसा गुंडा लोगों को डरा कर जीता है। डर से हमारा धंधा चलता है। फिर से गलत। पैसे से धंधा चलता है, प्यार से परिवार चलता है, सच्चाई से दुनिया चलती है। क्या रे, मुझसे लड़ने आया है क्या? मेरा सरनेम धर्मा है, मैं जो भी करता हूँ धर्म से करता हूँ। अगर उसके आड़े आए तो प्रॉब्लम को ऊपर से नहीं, उस प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। टकला वही है ना जिसने मेरे भाई को फोन करके मेरी फैमिली को खत्म करने की धमकी दी थी। hey, तुमने मेरे आदमी को मारा। तुम्हारे दिल्ली के अंदर कदम कदम पर मेरे आदमी हैं। तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे परिवार को काट के रखेंगे। मुझ जैसे लोग कदम कदम पर मिलते हैं, पर मुझ जैसे लोग कभी कभी मिलते हैं। मैं जो सोचता हूँ वही दिल्ली में होता है, अगर नहीं होता तो काट के रख देता हूँ। ये मेरा रूल है। मैं अपने दुश्मन को पाताल में पहुंचाता हूं, ये मेरा रूल है। मैं जब कमाता हूं तो हिसाब देखता हूं, मारते वक्त कोई हिसाब नहीं। मनवाने वाले को कहते हैं हिटलर, लोगों की बातों को अनसुना करने वाला होता है डिक्टेटर। यस, आई एम द डिक्टेटर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि अब यही है माफिया गैंग का इन्फॉर्मर। इस प्रेस्टिजियस बोर्ड का चेयरमैन बनकर आप लोगों के इन्फॉर्मेशन माफिया वालों को देता रहा। चल चल।
मैं अपनी जिंदगी में दो चीज मानता हूँ, एक अपनी हिम्मत और दूसरा ईश्वर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मिलिए, ऑन टाइम मिलूंगा और ऑनलाइन रहूंगा। बट वन थिंग, आप जब तक ईमानदारी से बिजनेस करोगे तब तक कोई भी तुम पर निशाना लगाए, मैं उस बुलेट का सामना बिना सोचे करूंगा। लेकिन आप अगर बिना सोचे गलत लोगों से बिजनेस करके गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो मैं वही बुलेट बन जाऊंगा। माइंड इट। परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ प्रसाद, हमारे देश का क्या होगा ये सोच रही हूँ। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की वजह से ना हमारे देश के रेवेन्यू और रेपुटेशन दोनों गिर रही है। समझ गया मैडम, पर आपके अकेले परेशान होने से ये कंट्री थोड़े चलने वाली है। आपको पता है सर किसको अपॉइंट करने वाले हैं? किसको? एक बार उधर देखिए। नीलम, यू आर सो ब्यूटीफुल। पूनम जी की कजिन है ये। तो ये बात है, इसकी वजह से ना एक दिन कंपनी डूब जाएगी। फूटी किस्मत हमारी। नमस्कार सर। ये क्या सर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के कॉमन मैन बन के चले आए सर? कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप धर्मा ग्रुप के चेयरमैन। भरोसा नहीं करना चाहिए इसलिए ऐसा है। पर वो क्यों सर? कुछ सच जानने के लिए। कौन सा सच है वो? मेरे जीजा जी शिवराम जी के बारे में एक कंप्लेंट आई है, मैं असलियत जानना चाहता हूँ। तो आप अंडरकवर पुलिसमैन की तरह अंडरकवर बिजनेसमैन बन के आए हैं? I'll not tolerate such irresponsibility. Get lost. ये मैडम कौन है? अग्नि काम्या है सर। अग्नि उसका सरनेम है क्या? नहीं सर, उसका कैरेक्टर नेम है। जहाँ गलती होती है वो जल जाती है, इसलिए तो सब उसे अग्नि कहते हैं। ठीक है तुम जाओ। चलो अपना काम फिनिश करो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। इस कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताइए। हाँ, वो रिकमेंडेशन वाली तुम ही हो ना? यानी मैं सब जानती हूँ। चलो, मुझे रिकमेंडेशन से बहुत नफरत है। वैसे तुम्हें पता है एमआरपी क्या होता है? हाँ पता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर बेचो तो क्राइम है। ओहो, तुम जैसे नाकारों की वजह से ही हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। आज हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है जानते हो? हाँ जानता हूँ मैं। क्या जानते हो? हमारी कंट्री की जीडीपी। अरे बाप रे, जीडीपी मतलब? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर कंट्री की इकोनॉमी रिपोर्ट इसी से बनती है। अच्छा, वैसे जीडीपी एमआरपी से काम नहीं चलेगा, डिटेल में बताओ। चलो, हमारी कंट्री की जीडीपी रेट 7th इन द वर्ल्ड है। जीडीपी ग्रोथ 7% है। हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज हैं सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, स्टील्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेदर, सीमेंट। और हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $313.2 मिलियन हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं $150 बिलियन। हमारे देश की लेबर फोर्स 49% व्यवसाय में, 20% इंडस्ट्रीज में और 31% सर्विस में। हमारे देश में बेरोजगारी 3% अर्बन में और 2% रूरल में। टोटल 10.8 बिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन अवर कंट्री। उनमें से एक बेरोजगार मैं भी हूँ। मैडम, इतनी ज्यादा नॉलेज है तो यहाँ जॉब करने क्यों आए हो? वो इस पापी पेट के लिए। तुम जैसे को तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो ना इसी कंपनी में काम करने का मेरा मन था, मेरे नाना जी इस कंपनी में। यहाँ सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, झाड़ू मारो इसको। इस कंपनी में 36 झोल हैं। वो सारे झोल क्या हैं? जाने का टाइम हो गया, मेरी बात मानो, कोई और जॉब ढूंढ लो, वरना हमारी इकोनॉमी की तरह तुम्हें भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सारे झोल जानने के बाद मैं ये डिसीजन लूं तो बढ़िया रहेगा ना मैडम? गुड डिसीजन। बस स्टॉप पे मिलो। तुमने देखा, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती। डेली ऐसी ही हालत होती है हमारी। रोज खड़े होकर ही काम करो और शाम को खड़े होकर ही घर जाओ, कितना बुरा लगता है पता है? टिकट ले लो, टिकट ले लो। आपको कहाँ का टिकट चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। तुम कहाँ से दोगे पैसे? अनएम्प्लॉयड हो भैया, दो इंडिया गेट। ये लो, अकबर रोड, अकबर रोड। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो अकबर रोड उतर जाओ। चलो खाली हुई है, आ जाओ आ जाओ, चलो भाई। सुनो, हमारे मार्ट में 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अगर उनके लिए बस सर्विस शुरू कर दी तो पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाएं। ये सोचकर लेट आने वाले लोग भी करेक्ट टाइम पर आने लगेंगे, कितना टाइम बचेगा? टाइम इज मनी, पता नहीं है इन लोगों को। तो आप अपने जीएम से कह सकती है ना? किससे? उस बेवकूफ शिवराम से। वेस्ट फेलो, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए कहा मैंने उससे तो बरस पड़ा मेरे ऊपर, और उससे बस सर्विस के लिए कहूँ? रहने दो, क्या कर सकते हैं, सैलरी के लिए काम करना पड़ता है। चलो चलो चलो, हमारा स्टॉप आ गया है, चलो। स्मार्ट में काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ दो तुम। अगर तुम्हें सच में जॉब की जरूरत है तो मैं अपनी फ्रेंड को तुम्हारा नाम रेकमेंड कर देती हूँ। ओके। हे, यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। खाते हैं ना? एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किशन जी, दो गोलगप्पे। लगता है आप यहाँ रेगुलर आती हैं। कैसे लगे गोलगप्पे?
हाँ अच्छे थे। हमारी मुंबई में तो और अच्छे मिलते हैं, बस वहाँ पानी पूरी कहते हैं और यहाँ गोलगप्पे। ये देखो मेरे चाचा जी का घर। वैसे तुमने डिसाइड क्या किया? वो मैं hey, काम्या। हाय। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड है। सुनो, इस एरिया में मुझसे बहुत लोग फ्लर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए तुम्हें साथ ले आई। सीरियसली मत लेना इसे। ओके सो शी इज माई कजन श्रुति एंड हेलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। चंदू, चंदू। हाय, नाइस मीटिंग यू। बहुत हो गया, हाँ चलो।